Hi friends, today's topic is magnetic flux and magnetic induction. लास्ट वीडियो में हम लोग ने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा, उसको कुछ लोगों ने आगे बढ़ाया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए, जिसमें से ये दो बेसिक टर्म है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। मैं यहाँ पे दोनों का पैरेलल सिखाऊंगा कि क्या होता है, क्या कनेक्शन है इन दोनों का। तो हम लोग ने यहाँ पे कंसिडर किया है मैग्नेट विद नॉर्थ साउथ पोल, इसको एक स्पीयर के अंदर रख दिया है, स्पीयर के अंदर रखा है। क्या स्पीयर के अंदर रखने के बाद मैग्नेटिक लाइंस जो नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ तक जाता है वो बंद हो जाएगी? तो आंसर है नहीं। तो मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होता है और ये कंप्लीट होके यहाँ पे साउथ में एंटर होगा। ये लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं, ये स्कूल टाइम से हम लोगों को सिखा है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ पे टर्मिनेट होता है। एंड टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये मैंने कुछ लाइंस बना दिए जो नॉर्थ से स्टार्ट हो रहे और साउथ तक जा रहे, ये साउथ तक, कुछ लाइंस नीचे से भी जाने वाले हैं। तो ये यहाँ पे लाइंस नीचे से भी बनाए मैंने और ये नॉर्थ से जाके साउथ तक जाने वाले, ये ऐसे। अब हम लोग एक एरिया कंसिडर करेंगे ऑन दिस स्पीयर। तो ये स्पीयर पे मैंने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया, तो ये एरिया का नाम दिया मैंने DS, स्मॉल सरफेस एरिया। अब ये एरिया में से कितने लाइंस पास हो रहे हैं, तो कितने दिख रहे हैं? फिलहाल तो चार लाइन दिख रहे हैं। तो मुझे किसी ने बोला व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस एरिया, तो मेरा आंसर है चार। तो फिर कंक्लूजन क्या, व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया। ये पर्टिकुलर एरिया कंसिडर करो, इसमें से कितने लाइंस बाहर जा रहा है या तो अंदर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। तो अगर मैंने यहाँ पे एरिया कोई कंसिडर किया तो इसमें से लाइंस पूछा तो बोला तीन, तो फ्लक्स इज थ्री। तो ये फ्लक्स का मतलब होता है, फ्लक्स कुछ नहीं होता है, सिर्फ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया। एक सरफेस एरिया में से कितने लाइंस पास हो रहे हैं, सिर्फ वही देखना है। अब ये दोनों सरफेस एरिया में से अलग अलग लाइंस पास हो रहे हैं, इसमें से चार और इसमें से तीन, तो हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? तो हम ये बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ज़्यादा है और ये नीचे के साइड पे कम है। मैग्नेटिक लाइंस जितने ज़्यादा हो गए या जितने क्राउडेड हो गए वहाँ पे उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगा। तो हम स्ट्रेंथ वर्ड नहीं यूज़ करके मैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड यूज़ करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ मैग्नेटिक इंडक्शन? इट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर ये स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड है तो हमने डिसाइड कैसे किया कौन सा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है? तो हमने देखा एक एरिया में से कितने लाइन्स पास हो रहे, जितने ज़्यादा लाइन्स उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ। तो नाउ मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिफाइंड एज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये इसका फॉर्मूला बन गया। कितने लाइंस पास हो रहे, फ्लक्स मतलब लाइंस डिवाइड बाय इट्स एरिया, इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। अगर ये मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है, यहां से मैं फ्लक्स का फॉर्मूला बना सकता हूं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बी इंटू ए, ये दोनों का फॉर्मूला बना। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो फ्लक्स को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, इट इज नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन सरफेस एरिया। एक एरिया में से कितने लाइंस पास हो रहे हैं उसका नंबर। तो अगर ये एक नंबर है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन ये स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
अगर ये वेक्टर है तो इसका कोई डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मुझे बी का डायरेक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वापस एक मैग्नेट बना रहा हूँ, नॉर्थ और ये साउथ, ये मेरे लाइंस है, ये नीचे भी कुछ लाइंस जा रहे हैं नॉर्थ से साउथ तक। अब मैंने पूछा मुझे यहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है, तो मैं सिंपल एक टेंजेंट बना दूंगा और ये मेरा बी बार का डायरेक्शन होगा। अगर किसी ने पूछा ये पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है तो एक टेंजेंट बना देंगे और ये इसका डायरेक्शन होगा बी बार का डायरेक्शन। तो ऐसे अलग अलग जगह पे बी बार का डायरेक्शन अलग अलग आने वाला है। तो बी इज अ वेक्टर, फ्लक्स इज अ स्केलर। यहाँ पे मार्क करते हैं, ये जो है लाइंस ऐसे इंक्लाइन जा रहे, तो मेरा बी बार का डायरेक्शन कुछ यहाँ पे ऐसा हो गया बी बार। ये लाइंस इंक्लाइन जा रहे, इसको टेंजेंट बना दिया, बी बार का डायरेक्शन होता है ये। अब एरिया, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये सरफेस है, इसको परपेंडिकुलर मार्क कर दिया ए बार, और बी और ए कुछ तो एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल बनाया मैंने थीटा बी और ए के बीच में। अब यहाँ पे आते हैं वापस से, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, बी वेक्टर क्वांटिटी है, ए भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर बी और ए वेक्टर क्वांटिटी है, आंसर स्केलर है, तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू b बार डॉट a बार, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है b बार डॉट a बार। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा बी ए कॉस थीटा, वे थीटा इज एंगल बिटवीन b एंड a, ये फ्लक्स का वैल्यू आ गया। यहां से और यहां से दोनों से हम लोग को यूनिट भी निकालने हैं, फ्लक्स का यूनिट, तो इसका एस आई यूनिट होता है वेबर, डिनोटेड बाय डब्ल्यू बी, और इसका सी जी एस यूनिट होता है मैक्सवेल, डिनोटेड बाय एम एक्स। सिमिलरली मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट, और आई विल राइट एस आई यूनिट। तो फ्लक्स का हमने बोला वेबर, तो इट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, और टेस्ला, टेस्ला करके साइंटिस्ट है उसके नाम पे से आए। और आगे जाके हमको पता चलेगा इसका एक और यूनिट है जो मैं अभी से लिख रहा हूँ, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये न्यूटन पर एम्पियर मीटर यूनिट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये डायमेंशन फाइंड करने के लिए काम आएगा। इसका एक और यूनिट दैट इज सी जी एस यूनिट, इसका सी जी एस यूनिट है गॉस, डिनोटेड बाय जी। इन लोगों में कुछ रिलेशन है जो इजीली डिराइव कर सकते हैं। वन टेस्ला इज 10^4 गॉस, एंड वन वेबर इज 10^8 मैक्सवेल। ये दोनों में रिलेशन है। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने सर वेक्टर फॉर्म इसका तो लिखा कि ये दोनों वेक्टर है, आंसर स्केलर है, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, यहाँ पे इसका वेक्टर कैसे लिखेंगे, बी बार का वेक्टर, बिकॉज फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। एरिया जब भी डिनोमिनेटर में होगा, वी कैनॉट कंसिडर दिस एज एरिया, बिकॉज वेक्टर से हम डिवाइड नहीं कर सकते।
तो अगर डिवाइड नहीं कर रहे तो ये फ्लक्स स्केलर, एरिया भी स्केलर, बट बी इज वेक्टर। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे राइट साइड में जो क्वांटिटी है, राइट साइड में स्केलर, सॉरी लेफ्ट राइट साइड में स्केलर एंड लेफ्ट साइड पे वेक्टर अगर है, तो हम लोग को यूज करना है यूनिट वेक्टर। तो हम लोग बी बार के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मार्क कर लेंगे और उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एन कैप, वेयर एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार। तो अगर मैं बी बार का बोल रहा हूँ एक्स डायरेक्शन में है तो यहाँ पे आई कैप लिख सकते हैं, बी बार वाई डायरेक्शन में है तो इसको जे कैप लिख सकते हैं, बी बार जेड डायरेक्शन में तो इसको के बार लिख सकते हैं एन कैप को। तो ये बेसिक आइडिया है। पूरे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग जो क्वांटिटी से डील करने वाले हैं उसका नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसे ही आपको मैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड सुनाई देगा आपके दिमाग में एक ही आना चाहिए, ये स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है वो ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका वैल्यू जितना ज़्यादा फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। तो ये बेसिक आइडिया, बेसिक जो दो टर्म हम लोग रिलेट करने वाले या हर एक चैप्टर में आगे जो यूज़ करने वाले वो दो टर्म्स है, लेकिन इसके आगे हम लोग ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने वाले जो दो साइंटिस्ट आएंगे उसको आगे बढ़ाने के लिए। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।